Hello friends, welcome my channel. अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस डालूं, कोई भी टेक्निकल वीडियोस टिप्स एंड ट्रिक का, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फेसबुक पोक फीचर के बारे में। अभी तक बहुत सारे लोग पोक फीचर के बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैं इस पोक फीचर के बारे में फेसबुक पे बताने वाला हूँ, जो कि ये फेसबुक का एक हिडन फीचर है। बहुत सारे हिडन फीचर है फेसबुक पे। पोक फीचर, पोक का जो मीनिंग होता है उसे फेसबुक का अलग मीनिंग होता है फेसबुक पेज का, और इस तरह अलग मीनिंग होता है। फेसबुक पोक का मतलब है उंगली करना, और आप जनरली लैंग्वेज में सुने होंगे बहुत सारे दोस्तों को कि यार प्लीज़ उंगली मत करो, माथा गर्म हो रहा है। ऐसा जनरली भाषा में पोक का मतलब उंगली करना होता है। चलिए दोस्तों, पोक फीचर के बारे में मैं बताता हूँ, उसको फीचर को यूज़ करने से क्या होता है। पोक फीचर को यूज़ करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर फेसबुक आपको कॉमेंट्स लाइक करने के लिए ब्लॉक कर देता है, आप किसी को, किसी भी प्रोफाइल को, किसी भी फ़ोटो को लाइक कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम में अगर आप किसी को टैग करके पोक करते हैं, उसको पोक करते हैं, तो उसके पास एक रिक्वेस्ट जाता है पोक बैक का। अगर वो आपको पोक बैक करता है, तो आप में फिर लाइक कमेंट शेयर करने का जो फीचर है वो बैक आ जाता है। आप हर किसी को पोक, जो भी लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हैं, वहाँ से आपको अनब्लॉक कर दिया जाता है जो भी आपको ब्लॉक किया गया था। चलिए दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि पोक फीचर आपको कहाँ से मिलेंगे। तो आप सोचिएगा, सिंपल आपके फेसबुक एप्लीकेशन में ये पोक फीचर का नहीं है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको वहाँ से बताऊँगा जहाँ पर ये मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग क्रोम ओपन कर लेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे www.facebookpokefeature.com। सॉरी दोस्तों, मैं गलत बता दिया, यहाँ पे हम लोग टाइप करना है www.facebook.com पे हम लोग क्लिक करना है। तो मैं बता दूँ पहले पोक फीचर फेसबुक कहाँ देता था, तो इसके लिए आपको डेस्कटॉप वर्जन में चले जाना है। डेस्कटॉप वर्जन पे आप आ जाते हो, तो पहले पोक फीचर आपको यहाँ पे दिया करता था, ये थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको पोक फीचर आपको इधर मिलता था प्रोफाइल में। अब ये फीचर हटा दिया गया है यहाँ से। मैं बता दूँ, यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन है ना, यहाँ पे पहले पोक का ऑप्शन देता था, अब यहाँ से पोक फीचर फेसबुक हटा दिया है, जिसके कारण आप लोगों को पोक करने में दिक्कत होती है। तो चलिए मैं बता दूँ पोक कहाँ से आपको करना है। इसको आप कॉपी कर लेना है, आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको आपको बैक करना है। कहाँ तक बैक करना है वो मैं बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ तक बैक करना है, जैसे कि https://m.facebook.com/ है, वहाँ पे आपको लिखना है पोक्स, POKES, पोक्स लिख के सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद देखिए दोस्तों, जो भी फ्रेंड आपको पोक किया है उसका पोक का ऑप्शन दे रहा है, आपने इस मेंबर को पोक किया है। आइए, एक दोस्त मुझे पोक बैक दिए हैं, पोक किए हैं, वो पोक बैक मुझे मांग रहे हैं। और आप भी चाहते हैं किसी को पोक करना, तो यहाँ से आपको नेम सर्च पे क्लिक करके किसी का भी नाम डाल सकते हैं, जैसे कि हम इस जावेद अहमद को ही पोक कर दे रहे हैं, तो यस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से पोक हो जाएगा। ये देखिए, यू पोक जावेद अहमद। चलिए दोस्तों, इस मेथड से आप किसी को भी पोक कर सकते हैं।
पोक करने से क्या फ़ायदे हैं आपको पता चल ही गया होगा, इस तरह से आप पोक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।